अनुपमा में फाइनली देखने को मिलेगा टीवी की सबसे पॉपुलर जोड़ी का महामिलन, यानी कि आपकी फेवरेट जोड़ी मान अनुज और अनुपमा की शादी। तो वहीं अब इस वैलेंटाइन वीक में यहाँ पर आपकी फेवरेट जोड़ी की शादी देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी सादगी से। दरअसल दर्शकों की भारी डिमांड थी कि अब इन दोनों की शादी की करवा ही दी जाए। तो वहीं दर्शकों का ये डिमांड भी अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर और इसके ऑथर्स पूरी करते नजर आएंगे। तो देखने को मिलेगी हमें कि अनुज सब कुछ हारने के बाद भी अपने 26 साल पुराने प्यार को जीत लेता है और अनुपमा हमेशा के लिए अनुज का हाथ थाम चुकी है। काका और बापूजी अब यही फैसला करेंगे कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। तो फाइनली वैलेंटाइन वीक में देखने को मिलेगी टीवी की सबसे शानदार शादी, जिसमें हमें देखने को मिलेगा अनुपमा और अनुज का मिलन। भाई फाइनली अनुज सब कुछ हारने के बाद भी, सब कुछ खोने के बाद भी वो पा लेता है जो कि वनराज उसकी कभी भी उसकी अहमियत नहीं समझ पाएगा, और उसे तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस और पैसे की पड़ी है। लेकिन जल्दी ही वो भी बर्बादी की तरफ जाएगा जब वो अपने परिवार को सबका साथ खोते नजर आएगा। तो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अनुज और अनुपमा बड़ी सादगी से मंदिर में शादी करने वाले हैं और यहाँ पर दोनों ही काफ़ी प्यारे लगेंगे, जहाँ पर अनुज का बहुत ही बड़ा सपना पूरा होते नजर आएगा 26 साल बाद, और अनुपमा ही अनुज को प्यार का इजहार करते नजर आएगी। तो दोनों का ही महामिलन हमें देखने को मिलेगा इस वैलेंटाइन वीक। तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस जोड़ी को साथ में देखने के लिए और अनुपमा को अनुज की दुल्हन बनते हुए देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी तरफ वनराज की बर्बादी की कहानी, जहाँ पर मालविका के सामने वनराज का असली चेहरा जल्दी आएगा और उसके बाद शुरू होगी वनराज की बर्बादी, जहाँ पर एक के बाद एक गलत फैसले उसे बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज छोटी सी एक नई शुरुआत करने वाले हैं एक नए ढाबे से नई कहानी के साथ, जिसके बाद अनुज की रेपुटेशन की और इन लोगों के साथ में उसकी बॉन्डिंग की वजह से उसे जल्द ही एक बड़ा इन्वेस्टर मिलेगा और जल्द ही उसकी एक नई शुरुआत हमें धमाकेदार तरीके से देखने को मिलेगी, जो कि वनराज को टक्कर देते नजर आएगी। अब भाई कैसे अनुज जीरो से फिर से हीरो बनता है अनुपमा का साथ पाकर, देखना तो काफ़ी धमाकेदार होने वाला। आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस जर्नी को देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं।